अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल समी खान एंड वेलकम टू समी खान GFX। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे होंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल टाइपोग्राफी, यूज ऑफ एलिमेंट्स और थोड़ी सी एडवांस लेवल टेक्निक्स। यानी कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक टाइपोग्राफी सिखाई थी, आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आज थोड़ी सी उससे आगे की चीजें होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट मौजूद है, एक पे लिखा हुआ है नॉट बेस्ट बट मी और दूसरे पे लिखा हुआ है कैट्स रूल एवरीथिंग अराउंड मी। अच्छा, इसी तरह के टेक्स्ट आपको जो है वो क्लाइंट्स की तरफ से मिल रहे होंगे। डिफरेंट क्लाइंट्स आपको डिफरेंट तरह के जो है ना वो डिजाइन देंगे बनाने के लिए। किसी को कोई कैट्स की कैटेगरी पे काम कर रहा होगा, कोई जेनेरिक कैटेगरी पे, कोई गाड़ियों पे, कोई किसी पे। तो आपको डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बनने के लिए वेबसाइट्स के ऊपर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे। तो मेरे पास पहले से कुछ बने हुए डिज़ाइंस और चीज़ें मौजूद हैं जिन पे मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड जो है ना वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के लिए आप जो वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं वो है, एक वैक्सेल्स है, प्रीपिक है, पिक्सब है, और भी बहुत सारी वेक्टर्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी भी वेक्टर की वेबसाइट से जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे और उसको उसमें से एलिमेंट्स निकाल के अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करेंगे, तो आपने ये मद्देनज़र रखना है कि आपने पूरा का पूरा वेक्टर, अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास कोई डिज़ाइन बना हुआ है उस पर लिखा हुआ है नॉट बेस्ट बट मी, आपके पास आपको वेबसाइट के ऊपर वो फाइल दिख गई और आपने उसको डाउनलोड किया, तो आपने एज इट इज़ पूरा डिज़ाइन उठा के नहीं छापना है। आपको अगर उसके डिज़ाइन में से कोई एलिमेंट, कोई चीज़, कोई लाइन लगी हुई, कोई शेप लगा हुआ पसंद आ रहा है तो आप वो अपने डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें, यानी कि यूज़ कर लें, ना कि पूरा का पूरा डिज़ाइन उठा के आप छापें। क्योंकि कल को आप किसी को भी आप डिलीवर करेंगे या बेचेंगे या डिज़ाइन अपनी स्किल व्हाटएवर जो भी देंगे, तो आप को प्रॉब्लम ये होगा कि यार आपको क्लाइंट बोलेगा कि यार ये डिज़ाइन तो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आपने वहाँ से डाउनलोड करके मुझे भेज दिया। तो ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ एलिमेंट्स यूज़ करने, चाहे आप लाइसेंस्ड वेक्टर लें, चाहे आप किसी वेबसाइट पे मेंबरशिप परचेज करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपने कभी भी कोई भी डिज़ाइन उठा के एज इट इज़ नहीं यूज़ करना, उसमें से एलिमेंट्स यूज़ करने। अब इसका मैं आपको जो है ना वो तरीक़ेकार दिखा देता हूँ। अब मैंने डिफरेंट वेबसाइट से ये जो है ना एलिमेंट्स डाउनलोड किए हैं, ठीक है। अब इसमें से एक ये एलिमेंट है, कुछ ये एलिमेंट है, कुछ ये पार्टी एलिमेंट्स हैं, और मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट्स भी यहाँ पे पहले से मौजूद हैं जो कि मेरे पास काम करते करते जमा हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक फॉन्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपनी फाइल में आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने अपना टेक्स्ट उठाया है यहाँ से, जो मेरे पास टेक्स्ट है नॉट बेस्ट बट मी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब मैंने आई प्रेस किया। मैं जैसे ही आई प्रेस करूँगा और मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो वो उसका फॉन्ट स्टाइल भी उठा लेगा और उसका कलर भी उठा लेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक काम, और मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मी को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी करना मैंने आपको बता दिया था कि ऑल्टर से पकड़ के आप इसको इसकी कॉपी निकाल लेंगे, उस पर डबल क्लिक कर देंगे और पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैंने मी को अलग कर लिया, इसी तरीके से मैंने इसकी एक और कॉपी निकाली, मैंने इसकी एक और कॉपी निकाली और मैंने इसको कट किया, एक और कॉपी निकाल के इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये तीन अलग अलग लाइंस में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे कुछ इफ़ेक्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ मैं सबसे पहले ऊपर गया इफ़ेक्ट्स के पैनल में, रैप में गया जो कि टेक्स्ट पे ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं, मैं आर्च में गया, आर्च में आके पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, रैप में जाते हैं, आर्च में आ जाते हैं। अब आर्च में ना आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपको बेशुमार ऑप्शंस दे देगा, हर ऑप्शन अलग तरह का काम करेगा, ठीक है। प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा। ये सेटिंग्स हैं उसकी हॉरिजॉन्टल और मतलब बैंड की, उसकी सेटिंग्स है कि कितना बैंड करना है आपने, कितना ये, और ये हॉरिजॉन्टल बैंडिंग की सेटिंग्स है, ये वर्टिकल बैंडिंग की सेटिंग्स है। इसको अभी करते हैं ज़ीरो, इसको करते हैं ज़ीरो, और हम आते हैं और आर्च ट्राई करते हैं और इसको लाइक 40% या 45% पे, 47% पे मैंने रख के इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आया और मैंने ले लिया एक सर्कल, सर्कल पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, जब आप इस पर क्लिक होल्ड करके रखेंगे ना, तो आपको डिफरेंट शेप्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने क्लिक छोड़ दिया, वो चला गया, मैंने क्लिक होल्ड किया, ये सारे ऑप्शंस आ गए, और किसी भी ऑप्शन पर लाके मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा गया, मैं क्लिक होल्ड करके रखा और सर्कल पे आके क्लिक छोड़ दिया,
तो वो ऑप्शन आ गया। इसको ड्रैग करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करना है तो आपके पास शेप आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने लिया ये शेप, ठीक है जी। और शेप के हिसाब से मैं यहाँ पर विंडो में गया, इस पर जो इफेक्ट लगा हुआ था ना वो यहाँ पे आप विंडो में जाएंगे अपीरियंस में आ जाएंगे, तो इस पर मैंने ये इफेक्ट लगाया था रैप आर्च, ये आ जाएगा यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। इस पर आप डबल क्लिक करें और मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने 53% पे कर दिया। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इस पर एक और सिंगल क्लिक किया और इसको सेंटर कर दिया। अब मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। बट मी को फ़िलहाल आप यहाँ पे रखें। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और ये शेप उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये शेप अगर मुझे बनाना हो खुद ही, ये वैसे तो मैंने डाउनलोड किया है, हज़ारों लाखों चीज़ें आपको ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएंगी जिनको आपको अपने जो है ना 6-6, 8-8 घंटे लगा के दोबारा कोई जो है ना वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक क्या है इसकी, देखें बहुत से ट्यूटोरियल्स में जो है ना वो आप ये चीज़ें सीख रहे होंगे कि यार ये स्प्लैशेस, ये शेप्स क्रिएट कैसे करने हैं, लेकिन मेरी वीडियोस के अंदर आप ये सीखेंगे कि यार शेप्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपको प्रोफेशनल डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है जो आप अपनी स्किल वेबसाइट्स पे या कहीं भी आप सेल आउट कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरी फ़िलोसफी ये है कि यार पहिया जो है ना वो इन्वेंट हुआ हुआ है, हमें जो है ना वो 4 साल एक कमरे में बंद होकर पहिया इन्वेंट नहीं करना, पहिया इन्वेंट हुआ हुआ है, गाड़ी भी बनी हुई है, अच्छी गाड़ी बनानी है, मतलब अब तो गाड़ियाँ बन रही हैं ना। लॉजिक आप समझें बात की, जो लॉजिक है ना वो ये है कि ये शेप्स, ये एलिमेंट्स, इस तरह की सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हज़ारों लाखों वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। आप चाहो तो आप इसको दोबारा क्रिएट कर सकते हो, बट यू डोंट नीड टू क्रिएट इट। आपको तो डिज़ाइन क्रिएट करना है और उसमें एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स पहले से लाखों करोड़ों मौजूद हैं, तो इनको क्रिएट करने के चक्कर में आप ना जाएं। ये भी क्रिएट करना कोई साइंस नहीं है, स्प्लैश ब्रश से लगता है, सर्कल को आप तोड़ेंगे तो आपके पास ये शेप्स बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान काम है, लेकिन आप इनको क्रिएट ना करें, आप डायरेक्ट डाउनलोड करें चीज़ें, एलिमेंट्स जो डिफरेंट कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल हैं, जैसे पिक्साबे पे हज़ारों चीज़ें आपको कमर्शियल यूज़ के लिए मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करें, यूज़ करें, आपको कोई ना स्ट्राइक आएगी ना कुछ प्रॉब्लम होगा कभी भी, ठीक है। तो हमारे पास शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको इसके पीछे रखा, ठीक है, और फ्रंट टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट। वैसे तो आपके पास कीबोर्ड जो है ना वो लास्ट वीडियो में मेरा काम नहीं कर रहा था, ऑनलाइन कीबोर्ड इस वीडियो के अंदर काम कर रहा होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन से बटन्स मैं प्रेस कर रहा हूँ। आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ फ्रंट ब्रैकेट और रियर जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के जो बटन्स हैं वो फ्रंट टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको होल्ड किया और इसको होल्ड किया और दोबारा मैंने सिंगल क्लिक इस पर किया और सेंटर अलाइन कर दिया, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार आउट है ना, तो मैं मैन्युअली इसको एरो की से मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मुझे नॉट बेस्ट भी सही लग रहा है, बट भी सही लग रहा है, लेकिन मी में मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा और कुछ हो जाए, तो मैं यहाँ से डिफरेंट ये फॉन्ट ट्राई कर लेता हूँ, इधर लाते हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास फॉन्ट डाउनलोड हुआ हुआ है, ये मैं इधर लाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और फिर आई प्रेस करता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ, तो जनाब मेरे पास ये फॉन्ट आ गया। अब आप के पास एक वेरिएशन आ गई। अच्छा, यहाँ वो मैं रूल ब्रेक, वैसे डिज़ाइन का एक रूल है कि यार आप मिनिमल फॉन्ट यूज़ करें, लेकिन भाई मैं अपने फ्लेवर के हिसाब से काम करता हूँ, मुझे जहाँ जो सही लगता है मैं वहाँ वो करता हूँ। यू शुड बी ब्रेव इनफ टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, कहीं भी आपको कोई चीज़ ट्राई करनी हो आप करें उसको, दिल खोल के ट्राई करें। बस ये देखें कि यार एक मैच्योर इंसान को भी वो चीज़ सही लगे और एक कलरफुल इंसान, कलरफुल चीज़ें पसंद करने वाले इंसान को भी वो चीज़ सही लगे। दोनों को अगर सही लग रही है तो आप दरमियान में, दैट मीन्स कि आपका डिज़ाइन अच्छा है। अगर आपके डिज़ाइन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान जो है वो एक अलग राय रखता है और एक टीनेजर और कलरफुल चीज़ें पसंद करने वाला इंसान एक अलग राय रखता है, तो फिर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा आपको ज़रूर लाखों करोड़ों चीज़ें जो कि ग्राफिक्स के अंदर मौजूद है, आपको हर चीज़ ट्राई करनी है। कभी भी डरना नहीं है किसी चीज़ को इनलार्ज करने में, कोई चीज़ नई चीज़ ट्राई करने में, यार बहुत कलरफुल हो गया या बहुत खिचड़ी पकड़ी है, आपने कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटना, डिफरेंट चीज़ें आपने ट्राई करनी है। ओके, तो वापस आते हैं डिज़ाइन की तरफ। अब मैं मी को कर देता हूँ थोड़ा सा वर्ड से छोटा, क्योंकि अगर आप गौर करोगे वर्ड्स के ऊपर तो नॉट बेस्ट जो है ना वो होना चाहिए बड़ा,
बट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाए मी। और ये जो बंदा ये टी शर्ट पहनेगा या जिसके पास ये मग होगा या किसी भी चीज़ पे प्रिंट होगा, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। नॉट बैड बेस्ट बट मी, यानी कि मैं बेस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ, ठीक है। तो अब मी को कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो आपने उस बंदे की सोच के हिसाब, सोच को भी अपने माइंड में रखना है कि यार वो क्या सोचेगा जब वो ये मर्चेंडाइज देखेगा, तो उसके हिसाब से आपने डिज़ाइन करना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको थोड़ा सा जो है ना वो मैं छोटा कर देता हूँ एन को। अब एन को छोटा करने के लिए मैंने शिफ्ट दबाया और लेफ्ट एरो दबाया, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई डोंट नो कि इस बटन को हम क्या कहते हैं, एम के बराबर वाला ब्रैकेट ही है ये। अब मैं इससे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, इसी के बराबर वाला दबाऊँगा तो वो बड़ा हो जाएगा, इसे छोटा हो। अब मैंने क्या किया कि मैंने एन को रखा थोड़ा सा छोटा, इसको सेलेक्ट किया, एन को रखा थोड़ा सा छोटा, ओ को उससे बड़ा और फिर टी उससे बड़ा, तो एक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट क्रिएट हो गया। यही चीज़ मैं यहाँ पे टी पे आके करूँगा। टी को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, एस को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, या एक काम और कर सकते हो आप टी को सेलेक्ट करो ऐसे, यहाँ से पिकर टूल लो और एन पे आके क्लिक कर दो, तो एन पे जो टेक्स्ट का साइज़ लगा हुआ है ना वही टेक्स्ट का साइज़ टी पे लग जाएगा। अब यही चीज़ आप आके करें एस पे, एस को सेलेक्ट करें, यहाँ से पिकड़ लें, ओ के ऊपर लेके जाएं अपना माउस और ओ पे क्लिक कर दें, तो ओ पे जो साइज़ लगा हुआ है वो एस पे लग गया। लेकिन मुझे यहाँ पे एस जो है ना वो थोड़ा सा और छोटा करना है, तो भाई मैं तो अपने हिसाब से खेल सकता हूँ। अब मैंने ई को भी यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकला है इसका। सही तो लग रहा है, मुझे पहले से तो बेहतर लग रहा है। तो एक थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट एक क्रिएट हो गया। अच्छा, आप ये भी नोट करें कि मैंने आर्ट बोर्ड लिया हुआ है लेकिन मैं उस पर रख के काम नहीं कर रहा। भाई मैं कहीं पर भी रख के काम कर सकता हूँ, मेरी फाइल है, मेरी मर्जी, भाई मैं कहीं भी रख के काम करूँ। तो इट डजेंट रियली मैटर कि आप कहाँ इस डिज़ाइन को रख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस आर्ट बोर्ड पर ही रखें। आर्ट बोर्ड पर हमने उस वक्त रखना है जब हमने आउटपुट निकालना है फाइल का, तब लाजमी आर्ट बोर्ड के अंदर परफेक्टली अलाइन होनी चाहिए हर चीज़। जब हमने इसकी PNG फाइल एक्सपोर्ट करानी है, फाइल किसी को डिलीवर करनी है, JPEG निकालनी है, यानी कि आउटपुट जो भी इस फाइल का आउटपुट वर्जन निकलेगा ना वो आर्ट बोर्ड से निकलेगा। उसके अलावा आप पूरे कैनवस पर कहीं पर भी चीज़ रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये तकरीबन मेरे हिसाब से डिज़ाइन जो है ना वो रेडी हो गया। अब क्योंकि भाई प्रिंट की बात है तो हम कलर्स को ना थोड़ा सा देख लेते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना ग्रुप हुआ हुआ है। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट जी दबाया, ये अनग्रुप हो गया। ग्रुप का मतलब है भाई सारे जॉइंट हुए, अनग्रुप का मतलब सारे अलग अलग हुए हैं। अच्छा जी, मैंने एक और दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट जी दबाया तो ये फर्दर अनग्रुप हो गया। अब येलो वाला सारा एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ है, येलो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक किया यहाँ पे। अब मैं देख लेता हूँ यार सियान, क्योंकि प्रिंटिंग है ना तो हम CMYK देख रहे होंगे। ये CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है बाद में बताऊँगा, फिलहाल यहाँ पर मैं सही सही कलर डाल लेता हूँ। सियान को कर देता हूँ 0, मैजेंटा को 0, येलो को मैं कर देता हूँ 100%, ब्लैक को 0, ठीक है। अभी आ गया 100% येलो। इसी तरह मैं जाता हूँ रेड पे, ठीक है। अच्छा जी, मैजेंटा और येलो से रेड बनता है, तो भाई हम सियान को कर देंगे 0, मैजेंटा को कर देंगे 100 और येलो को भी 100, तो भाई 100% आपके पास यहाँ पे अच्छा वाला रेड आ गया जो आप प्रिंट करोगे। और प्रिंट के अंदर मशीनों में जो इंक चल रही होती है ना, तो वो 4 इंक के मिला के चलती है। अब उसके अंदर रेड प्रॉपरली आया तो उसकी सेटिंग हमने डाल दी है, येलो प्रॉपर आए तो उसकी सेटिंग हमने डाल दी है। दिखने में और होता है, प्रिंटिंग के वक्त और होता है। तो ये सारी कहानियाँ प्रिंटिंग के कलर्स, प्रिंटिंग के लिए क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी है, ये बात की बात है, मैं बाद में बताऊँगा किसी फाइल में। फिलहाल हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, अब इसको हम कॉपी करेंगे और हम पिछली वीडियो की तरह एक मॉकअप खोल लेते हैं और उस मॉकअप पे हम लगा के ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके भाई, तो अपना डिज़ाइन करते हैं हम यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके ये मैं आया फोटोशॉप में, मैंने एक मग का खोला हुआ है, चलें इसी पे ट्राई कर लेते हैं मग वाले पे। मग का मॉकअप मुझे कहीं से मिला था तो यार मैंने डाउनलोड करके रख लिया, तो इसको करते हैं यहाँ पे। मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, छोटा करके कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया और सेव कर दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सेव करूँगा तो वहाँ पर आ जाएगा। फोटोशॉप को मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब मैं फोटोशॉप का आपको बताऊँगा सारी चीज़ें सिखाऊँगा तो मैं आपको फोटोशॉप की फोटोशॉप पे मॉकअप बनाना हर चीज़ मैं आपको उस वक्त सिखा दूँगा।
तो अभी राइट नाउ हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो डिज़ाइन का मॉकअप सिर्फ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि यार लग के कैसा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा ये आ गया, ये ऑलरेडी सही लग रहा है मुझे। तो अब हम इसी को जो है ना वो टी शर्ट पे भी लगा के देख लेते हैं कि टी शर्ट पे कैसा लगता है। ओके जी, तो ये रहा टी शर्ट का मॉकअप। अब टी शर्ट पे इसको करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं छोटा, सही है, और टी शर्ट के ऊपर भी ये लग के सही लग रहा है। इसके बैकग्राउंड में मैं ये कलर्स डाल देता हूँ, एक है रेड एक है येलो। अब आप देखें टी शर्ट पे भी ये लग के अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के एलिमेंट्स आप यूज़ करके अपने डिज़ाइंस में एक लाइव डाल सकते हैं, वो दिखने में अच्छे लग सकते हैं, अपीलिंग लग सकते हैं, कलरफुल लग सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें आप ट्राई करें और मुझसे शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज पे भी आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आप इसी तरीके की चीज़ें क्रिएट करें और मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।